रहा है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 15 मार्च दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन सोमवार है, भोले शंकर भगवान का दिन है, भोले शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय भोले शंकर भगवान लिखें, भोले शंकर भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों सबके सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि कमजोरी सामने वाले के सामने उजगर करेंगे तो ऐसे में विरोधी आपकी उन कमजोरियों का फायदा उठाएंगे और मौका पाकर आपको धोखा दे देंगे। मोह खुद पर काबू रखना चाहिए, किसी भी प्रकार से धोखा या विश्वासघात से बचने का सबसे बड़ा हथियार होता है। चाणक्य जी कहते हैं मुताबिक मानव को किसी भी इंसान से ज़्यादा लगाव या करीबी नहीं रहना चाहिए क्योंकि किसी भी संबंधित में दोनों तरफ से बराबरी न हो तो धोखा मिलना तय होता है और सच झूठ बोलने वाला व्यक्ति अतः निराशा ही हाथ लगती है। वही सच के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने कठिन समय भी खुद को बचाने में सक्षम होता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि सच का साथ देने वाला व्यक्ति ईश्वर पर कृपा बनाए रखते हैं। अगर सच के साथ झूठ बोलने वाला व्यक्ति विश्वासघात कर भी दे तो वह जल्द ही उस परेशानी से निकल जाते हैं। और चाणक्य जी कहते हैं कि लालच किसी भी व्यक्ति के अंदर वो तो व्यक्ति करीब नहीं रह सकता और लालची व्यक्ति का लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। उसका होना तय है कि व्यक्ति को हमेशा लालच व्यक्ति लाए सावधानी बरतनी चाहिए और ज़्यादा करीबी नहीं रहना चाहिए। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर। अब बात करते हैं आज के पाचंग के बारे में। पाचंग 15 मार्च दिन चल रहा है सोमवार, तिथि चल रही है द्वितीय, नक्षत्र चल रहा है रेवती, ऋतु चल रहा है वसंत ऋतु, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:17 पर और सूर्यास्त होगा 4:40 पर। आज का शुभ समय 11:44 से 12:58 तक। आज का अशुभ समय 2:19 से 3:48 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 9 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग ग्रे है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आज सगे संबंधित व पुराने मित्रों से मुलाकात के योग बनेंगे, पारिवारिक में पूरा सहयोग मिलेगा, पहले से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान होगा, प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है। आज का दिन दफ्तर जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें अन्यथा लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे और दोस्तों की मदद से अटके कार्य पूर्ण होंगे, मन में कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, खासकर संतान पक्ष से कुछ जुड़ी चीज़ों को लेकर मन में तनाव हो सकता है और अपनी सेहत का खान पान विशेष ध्यान रखें। मित्रों और आज सगे संबंधित से कमी हो सकती है, सबसे पहले आज यह योग आपको धनवान बनाएगा, पैसों की कमी दूर होगी, बिजनेस में लाभ प्रमोशन होगा और लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें। अब
अविवाहित के विवाह की बात हो सकती है। लग्जरी लाइफ पर भी खर्च कर सकते हैं। शुक्र ग्रह संबंधित वैभव प्रेम सौंदर्य निराश पस्तत्व इसके कारण हैं। इसके कारण तुला राशि का जीवन अनायशिक परिवर्तन आते रहते हैं। इनका जीवन चक्र एक तराजू की बात है और स्वयं तराजू की बात ऊपर नीचे होते रहते हैं। करियर में पैसा तुला राशि के आज खर्च से बचें और फालतू कहीं न जाएं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा मित्रों। यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे मित्रों।